हेलो गाइस, राम राम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अब गर्मियों का सीजन आ रहा है। गर्मियों के सीजन में लहसुन और ये कैरी मिल जाती हैं, तो हम लहसुन का और कैरी का मिक्स अचार डालेंगे। तो ये 2 केजी कैरी हैं, आप घर पे ला के भी काट सकते हैं, धो के पूछ के, और वहीं भी कटवा के ला सकते हैं। तो हमने घर पे ला के धो के पूछ के इनको काट के और थोड़ी सी हल्दी लगा के मैंने 1 दिन के लिए पंखे की हवा में रख दिए। धूप में तो नहीं रखी है, पंखे की हवा में ही रखी। तो ये देखिए सूखी सूखी हो गई, इनका जो पानी था वो सारा पानी मर गया। और लहसुन में हमारे यहाँ ही पेड़ था, किसी पड़ोस में ही, उनके से लेके आए थे। तो ये लहसुन की जो डंठल होती हैं वो हमने हटा ली थी, जो लहसुन के ऊपर टोपली सी खाते ना वो नहीं हटाई थी। वो ये उबलने के बाद में हटा, आप छाई में भी इनको उठा के अचार डाल सकते हो और उबाल के भी। तो हमने उबाले हैं इसको, ज्यादा उबाला भी नहीं है, देखिए इतना ही, बस ये ऐसे दबने लग जाए ऐसे ही उबाला है। और जो इसकी ये टोपली थी वो टोपली हमने उतार दी और इसको 1 दिन के लिए पंखे की हवा में छोड़ दिया। तो ये देखिए इसमें से जो पानी था वो पानी बिल्कुल सूख गया, ऐसे हो गए इसमें। उन्हें मसाले मिलाने की तैयारी करेंगे, तो मसाला आप रेडीमेड भी लेके आ सकते हो बाजार से और घर पे भी बना सकते हो। तो मैं मसाला घर पे ही बना के तैयार किया है। ये 4 किलो हमारी लहसुआ है, 2 किलो हमारी कैरी है। तो 1 किलो कैरी का अचार डालो या 1 किलो लहसुआ का अचार डालो, तो उसमें 200 ग्राम मसाला पड़ेगा, वो तेल बाकी बाद में पड़ेगा। तो मैंने मेरा मसाला तैयार कर लिया है, मैं आपको मसाला बता देती हूँ क्या क्या मसाला मैंने मिला के तैयार किया पूरा। जैसे कलौंजी आप जानते हो, जो काली काली, हर जगह पर अलग अलग नाम होता है, तो हमारे तो इसको कलौंजी ही बोलते हैं। और ये सौंफ है, सौंफ का भी आपको पता है, और दाना मेथी, और थोड़ा सा आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये सारा मसाला तैयार किया है, इसमें है मेथी और सौंफ, कलौंजी, ये जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, नमक है, हल्दी है और मिर्ची है, और थोड़ा सा मैंने, वैसे तो खटाई के लिए कैरी है, थोड़ा सा वही मान लहसुन ज्यादा है तो खट्टे नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा अमचूर डाला है, और बाकी हमने हींग डाली है। हींग आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और जैसे मिर्ची आप तीखा खाते हो या कम ज्यादा कर सकते हो, नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से। तो मैंने ये मसाला इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया और ऐसे हाथ से रगड़ लिया, तो ये मसाला हमारा पूरा तैयार हो गया। राई भी डालते हैं, तो मैंने थोड़ी सी राई भी डाली है, हरी मेथी और सौंफ, राई, इनको थोड़ा सा कढ़ाई में सेक के और ठंडा करके थोड़ा थोड़ा दरदरा दरदरा पीस लेना। देखो हमारी वाली ये बिल्कुल थोड़ा दरदरा है, बिल्कुल बारीक मत पीसना, दाने से दाने से रहने चाहिए। कैरी और लहसुन हमने एक जगह मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम ये मसाला डाल के मिला लेंगे। मसाला हमने डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप अचार में हो सके तो सरसों का तेल ही डालना, सरसों का तेल से ही अचार अच्छा बनता है, और आप वैसे रिफाइंड वगैरह भी डाल सकते हो। तो मैं अभी तेल तो थोड़ा सा डालूंगी कि मसाला कैरी के और लहसुन के चिपक जाए। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से मिल गया है, अब 2-3 घंटे के लिए इसी ही बर्तन में छोड़ देंगे। फिर बाद में आप कांच की बरनी भी ले सकते हो, चीनी मिट्टी का बर्तन आता है वो भी ले सकते हो, और प्लास्टिक के डब्बे आते हैं वो भी ले सकते हो, उनमें डाल देना। और उसके बाद में फिर आप तेल गरम करके, और अच्छी तरह से तेल गरम कर लेना, फिर ठंडा करना, बिल्कुल ठंडा हो जाए तेल, वो तेल इसके ऊपर डालना। जैसे आप बरनी भर अचार के भर दो तो तेल बिल्कुल ऊपर तक आना चाहिए, तेल में ये बिल्कुल सारे डूब जाने चाहिए, इतना तेल डाल लेना आप। ये देखिए हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। मैं ये चीनी मिट्टी का बर्तन है इसमें डालूंगी। ये देखिए अचार मैंने बरनी में डाल दिया है, और अब मैं तेल डालूंगी। तो ये सरसों का तेल है, मैंने गरम करके और ठंडा कर लिया है।
अचार हमारा बन के तैयार हो गया है। जैसे देखो मैंने तेल बिल्कुल ऊपर से तिरा रखा है, जो लेस व कैरी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, ऐसे ही आपको ऊपर तक तेल रखना है तो अचार हमारा कई दिन चलेगा, अचार हमारा खराब नहीं होगा। और लेसुए का अचार वैसे भी शरीर के लिए अच्छा रहता है और ये ठंडा भी रहता है लेसुए का अचार। आप एक बार ऐसे बना के और मेरे को कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। राम राम जी।